रघुनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ये मंत्र एक गुप्त साबर मंत्र है। इसका प्रयोग साधक उस स्थिति में करते हैं जब ऐसा लगता है कि किसी ने उन पर कुछ वार किया हो, या फिर किसी साधना में वो गए हों और कोई ऐसी शक्ति उनसे सट गई हो जो कि उनसे नहीं सटनी चाहिए। ठीक है, तो आजकल मॉडर्न एरा है तो लोग ऑरा चक्रास, सेवन लेयर्स, डिप्लीटेड ऑरा, ये ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मूलभूत बात आपको समझाऊं कि आप में अगर कोई शक्ति सटती है तो आपकी अपनी जो एनर्जी आभा मंडल जो आपकी है वो कम हो जाती है, उससे बहुत तरह के डिप्रेशन थाट्स आते हैं या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ ये सिद्ध मंत्र है। ठीक है, इसको सिद्ध करने का मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, ना इसका मैंने आज तक कहीं विधान देखा सिद्ध करने का। इस मंत्र को सीधे पढ़ते हैं और शरीर पर फूंक मारते हैं। कब? इसको आप रोज़ फूंक नहीं मार सकते शरीर में, जैसे मैंने पहले देहबंधन का मंत्र दिया था वैसे ये देहबंधन का मंत्र नहीं है। ये मंत्र उस समय प्रयोग हो सकता है जब मान के चलिए आप कहीं जाते हैं, वहाँ से आके आपकी तबीयत खराब लगने लगती है, तो बहुत लोगों को लगता है कि हमें आज नज़र दोष हो गया, या फिर आप मान के चलो कि आपको लगता है कि आप पर काला जादू किसी ने किया है। ठीक है, उस स्थिति में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, या फिर आप कहीं से आ रहे हैं, अगर आप सिद्ध हैं आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आसपास किसी ने किसी शक्ति ने आज डेरा जमाया हुआ है, तो उनको हटाने के लिए इस मंत्र को करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति जिस पर किसी भी तरीके का किसी बाहरी हवा का प्रभाव नहीं है वो इस मंत्र को यूज़ ना करें। ये काफ़ी पावरफुल मंत्र है और दिक्कत हो सकता है। जो लोग बहुत अपने आप को ब्लैक मैजिक से बहुत अफेक्टेड समझते हैं वो भी 7 दिन तक इसका निरंतर मतलब इसको बोल के फूंक मारे, 8वें दिन इसको प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ताकतवर मंत्र है और बहुत गुप्त है। मंत्र सुनिएगा। सत नमो आदेश गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी, मस्तक बैठो रुद्र, कपाल बैठो आदि, हस्त बैठो काल, पद रक्षो बटुक, दाएं वीर जोगो, बाएं बैठो जोगनी, रेखा रक्षो गणपति, दे बंदो हनुमंत, आगे आगे माई चले, पीछे लाल कमर बंद, दुहाई रुद्र काली की, दुहाई काल भैरो ओम की, दुहाई नवनाथ 84 सिद्धन की, मेरी भक्ति गुरु कनीफ की शक्ति, ओम अंग आत्म रक्ष हुम फट स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र जो है ये इसका दुरुपयोग मत करना। मतलब दुरुपयोग क्या होता है, दो तरीके का दुरुपयोग होता है। एक तो किसी मंत्र का से सट कर्म करना, वो उस मंत्र का दुरुपयोग होता है 90% बार, या फिर अगर उस मंत्र का जब जरूरत ना हो उसको प्रयोग करना। अब क्या है कि जैसे लोगों को नॉर्मल हेडेक भी होता है तो उनको पता है भाई कि हायर है, अगर आप पेन किलर खाएंगे तो रिलीफ तुरंत होगा, लेकिन अगर वो डिस्प्रिन से मिट जाता है तो आपको डिस्प्रिन ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में चल के जो है वो हायर जो मेडिसिन है वो काम नहीं करेगा। वैसे ही ये जो मंत्र अभी आपको दिया ये हायर पेन किलर है। ठीक है, जब आपको लगे कि नहीं आसपास कुछ साया है, कुछ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा आपको लगे तभी इस मंत्र का प्रयोग करना, अन्यथा नहीं करना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे विषय पे। अगर आप लोगों को साधनाओं को सीखना है तो मैंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, आप एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देखिए और आप मुझे उस पर मैसेज कीजिए। भूत प्रेतों पर इंटरेस्ट है तो मेरा किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आप खरीद सकते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पर, पूरे विश्व में ये मिलता है। मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.aghortantarahasya.xyz, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है। इसके अलावा कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करके उसमें रुद्रनाथ सर्च करिए और आप मुझे उससे कॉल उस पर से डायरेक्ट मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा आप लोग जो एक काम नहीं कर रहे हैं वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो आप लोगों से ऐसा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सिर्फ सुनना, आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलग।